तो लेसन वन ओनली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल रो पार्ट फोर पढ़ा। पार्ट फोर है लास्ट पार्ट। पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री रो वीडियो रो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु मिल जिवो। वर्तमान आम पार्ट फोर पढ़ा। रीड द लास्ट पार्ट साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो लास्ट पार्ट को आम साइलेंटली पढ़ा आउ तले दि जाइए प्रश्न गुड़िकर उत्तर दबा। तो मुझे साइलेंटली पढ़वी मुझ लाउडली पढ़वी जोर पाटे पढ़वी जहाँफल कि तुमने शुणीपार बुझीगलाना। चलो वर्तमान पर्यंत आम कौन पढ़िलु ना गोटे लोकर पर्स चोरी हो जाइला आउ जी चोरी करथिला चोर ताकू लोक माने धरिकी पुलिस को हस्तांतर करदे पुलिस ताकू जेल को पठेदेला तापर ताकू कोर्ट चलाण करागला। जो लोकर पर्स चोरी होता से गोटे लयार माने वकिल ठीक कला आउ तीन जन साक्षी को ठीक कला। तृतीय साक्षीर किसी प्रॉब्लम थिला किसी असुविधा थिला जहाँफल कि से आसीपारा ना। वर्तमान दुई जन साक्षी रहिले जेतेबेले विचारपति सेमानंकु प्रश्न कले चोरी संबंध में सेमानंकर उत्तर भिन्न थिला। जमती कि प्रथम साक्षी को पचारा गला जे चोरी केतेबेले हेतिला प्रथम साक्षीर उत्तर थिला दिन बेले चोरी हेतिला किंतु द्वितीय साक्षी कहिला जे ना ना राति बेले चोरी हेतिला। से भलिया प्रथम साक्षी को जेतेबेले पचारा गला जे चोरी हबा समय रे सेई जगह रे केते जण लोक थिले प्रथम साक्षीर उत्तर थिला जे पांच जण लोक थिले किंतु सही प्रश्नर उत्तर देवाई जा द्वितीय साक्षी कहला जे सही जगार 25 जन लोक उपस्थित थिले। पुणी जेतेबेले जज बा विचारपति प्रथम साक्षी को प्रश्न पचारिले जे चोरी हो जाइतिबा पर्सर रंग कौन थिला तार उत्तर थिला जे चोरी हो जाइतिबा पर्सर रंग कला रंगर थिला किंतु जेतेबेले विचारपति सही प्रश्न को द्वितीय साक्षी को पचारिले तार उत्तर थिला जे चोरी हो जाइतिबा पर्सर रंग धला रंगर थिला। तो सेमानंकर स्टेटमेंट कंट्राडिक्टोरी थिला अर्थात परस्पर विरोधी थिला सेमानंकर उत्तर मैच कलानी तेणु विचार को पोस्टपोन कर दियागला अर्थात घुंचे दियागला नेक्स्ट डे पाई पर दिन पाई। लॉयर जो थिले आमर बा वकील जो थिले से टेरिबली अपसेट हो गले माने बहुत दुखी हो गले। से भाविले जे मु केसटी हारिगली आउ कौनसी उपाय नाही जहाँफल कि केसटी को मु बचे दे पारिबी किंतु ये सबू कथा शुणुला तांकर जणे कुक माने रोसेया जहार नाम थिला अली। तो अली कहिला मते थर्ड विटनेस करिकि नै जानतु मु केसटी को बचे देबी मते तृतीय साक्षी करिकि नै जानतु कोर्ट को आ मु केसटी को बचे दे पारिबी मो पाखरे एतिकि सक्षम अछि। तो ये थिला अलीर दृढ़ोक्ति किंतु प्रथमे प्रथमे आमर जो वकिल थिले से अली कथा को विश्वास करि नथिले कहीं ना अली केवल जणे सामान्य रोसेया थिला किंतु अली जेतेबेले बाध्य कला तांकु तो देखिबा जे वकिल मानिचंती ता कथा ना नाही। पार्ट फोर रे आमे एक कथा जानिया पई पाइबा। देखो द लॉयर एग्रीड एंड द नेक्स्ट डे ओली वाज कॉल टू द विटनेस बॉक्स। तो वकिल जनक राजी हो गले एग्रीड माने राजी हो गले आउ परवर्ती दिन ओली को काठगड़ा भितर को डकागला विटनेस बॉक्स माने काठगड़ा। द जज आस्ड विचारपति पचारिले व्वेन वाज द थेफ्ट मेड केते बेले चोरी होता व्वाज इट डे और नाइट दिन थिला ना राती थिला। ओली रिप्लाएड ओली उत्तर देला यू मे कॉल इट ए डे योर ऑनर यू मे ऑल्सो कॉल इट ए नाइट। तो हे मणिमा आपण एहाकु दिन बोली कहि परिबे किंबा राती समय बोली मध्य कहि परिबे। हाउ द जज आस्ड केमिति विचारपति पचारिले व्हेन द थेफ्ट वाज कमिटेड देयर वाज लाइट माय लॉर्ड बट स्लोली इट बिकेम डार्क इट वाज द मीटिंग टाइम ऑफ डे एंड नाइट योर ऑनर। तो ओली कहिला जे जेते बेले चोरी हेई थिला सेते बेले लाइट थिला टिके टिके दिन थिला किंतु स्लोली इट बिकेम डार्क किंतु धीरे धीरे अंधार हो गला माने राति हो गला इट वाज द मीटिंग टाइम ऑफ डे एंड नाइट। तो ये दिन आउ रातिर मिलन स्थल थिला अर्थात संध्या समय थिला आउ इवनिंग समय थिला। योर ऑनर हे मणिमा द जज सीम टू नोड हिज हेड इन एग्रीमेंट एंड आस्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विचारपति एग्रीमेंट रे माने राजी हेकि मुंड हलैले नोड हिज हेड माने मुंड हलैबा। तो
तो विचारपति ओली कथा रे सम्मति प्रदान करके मुंड हलैले बुझीला एग्रीमेंट माने राजी हे कि मुंड हलैले आउ से नेक्स्ट प्रश्न पचारिले माने परवर्ती प्रश्न पचारिले देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन थिला हाउ मेनी पर्सन्स वेयर देयर एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट चोरी हबा समय रे सेई जगह रे केते जण लोक थिले ओली सेड सर यू कैन से 5 or 25 योर ऑनर हे महाशय हे मणिमा आपण कहि परिबे 5 जण लोक उपस्थित थिले किंबा 25 जण लोक उपस्थित थिले व्हेन द जज आस्क्ड हाउ जेते बेले विचारपति पचारिले केमिति ओली सेड ओली कहिला व्हेन द थेफ्ट वाज कमिटेड देयर वेयर ओनली 5 पर्संस जेते बेले चोरी हेइथिला सेते बेले मात्र 5 जण लोक सेई जगह रे उपस्थित थिले बट स्लोली द नंबर इनक्रीज टू 25 किंतु धीरे धीरे से मानकर संख्या बढ़ी कि 25 हेइगला बुझी पारछो ना जेते बेले गोटे जगह रे चोरी हेबो कौन बस जगह लोक मैंने एकत्रित तो हो ना तो धीरे धीरे से मानकर संख्या बढ़ी कि 25 हो जाइला एक ओली विचारपति को कहला दि जज सीम्ड टू नोड हिज हेड इन एग्रीमेंट तो विचारपति मुंड हलैले राजी हो कि से मुंड हलैले बुझीला चलो ठीक अच्छे एग्रीमेंट मान राजी हो कि एग्री कथार सम्मति प्रकाश करवा चलो बर्तमान नेक्स्ट जीबा परवर्ती प्रश्न कौन थिला विचारपति द थर्ड क्वेश्चन द जज आस्ड व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स तृतीय प्रश्न जहाँ कि विचारपति पचारि व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स पर्स टी रंग कौन थिला ओली सेड ओली कहिला यू कैन कॉल इट ब्लैक एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट व्हाइट माय लॉर्ड तो आपण यहाँ कला रंगर पर्स बोली कही परिबे किंबा यहाँ धला रंगर पर्स बोली मध्ये कही परिबे व्हेन द जज आस्ड हाउ जेतेबेले विचारपति पचारिले केमिति ओली सोड ए पर्स व्हिच वाज व्हाइट इनसाइड एंड ब्लैक आउटसाइड ओली एमिति गोटे पर्स काढ़ी देखेदेला जार रंग भितर पटु धला थिला आउ बाहर पटु कला थिला तो ओली ए प्रश्न रो कौनसी उत्तर दे नथिला केवल से विचारपति को गोटे पर्स देखेला जार रंग भितर पटु धला थिला आउ बाहर पटु कला थिला बुझीला चलो ठीक अच्छे वर्तमान देखिबा विचारपति कौन कले दि जज स्माइल्ड विचारपति हसिले एन अनयूजुआल स्माइल माने गोटे असामान्य हस हसिले एंड नोडेड हिज हेड इन फुल एग्रीमेंट आउ पूर्ण सम्मति रे तांकर मुंड हलैले बुझीला तो एथसहित ओली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल नामक टॉपिक कंप्लीट हो जाऊँ वर्तमान देखिबा एई पार्ट फोर रो कंप्रेशन क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी डिड दि लॉयर एग्री टू टेक ओली एज दि थर्ड विटनेस तो वकिल जनक ओली को तृतीय साक्षी हिसाब से नापी राजी हो जाते कि हाँ विषय प्रथम आम देख लु राजी हो जाते सी डिड दि लॉयर एग्री टू टेक ओली एज दि थर्ड विटनेस तो एनसर हम येस येस दि लॉयर एग्री टू टेक ओली एज थर्ड विटनेस आफ्टर ए लिटिल हेजिटेशन हेजिटेशन माने टिके संकोच प्रकाश कर सारा पर लॉयर जनक राजी हो जाते ओली को थर्ड विटनेस भाव में कोर्ट को नापी बुझीला चलो वर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा डिड दि जज आस्क द सेम 3 क्वेश्चंस विचारपति कौन से सामान तीन टा प्रश्न पचारे कि हाँ येस द जज आस्क द सेम 3 क्वेश्चंस एज ही पुट टू द फर्स्ट 2 विटनेसेस तो प्रथम दुई साक्षी को सी जे भाया प्रश्न पचारे सेम प्रश्न एक्यूरेट डिटो सेम प्रश्न से ओली को मध्य पचारे से तीनोटी प्रश्न चलो वर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा व्हाट वाज ओलीज एनसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन ओली प्रथम प्रश्नर कौन उत्तर दे इन एनसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन ओली रिप्लाइड दैट द टाइम ऑफ द थेफ्ट वाज बोथ डे एंड नाइट सिंस इट वाज द मीटिंग टाइम ऑफ डे एंड नाइट तो प्रथम प्रश्नर उत्तर देवाई जाली उत्तर देला द टाइम ऑफ द थेफ्ट वाज बोथ डे एंड नाइट सिंस इट वाज द मीटिंग टाइम ऑफ डे एंड नाइट तो चोरी होइथिबार समय उभय दिन थिला आउ राती थिला केमिति ना ये थिला दिन आउ रातिर मिलन स्थल माने संध्या समय बुझीला तो क्वेश्चन नंबर 3 रो समाधान सरी जाइछि वर्तमान देखियो क्वेश्चन नंबर 4 इज इट पॉसिबल दैट द थेफ्ट टाइम वाज बोथ डे एंड नाइट एक संभव कि जे चोरी होता समय उभय दिन आउ राति थिला उत्तर होउची येस हाँ एक संभव
इट इज पॉसिबल दैट द थेफ्ट टाइम वाज बोथ डे एंड नाइट बिकॉज एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट देयर वाज लाइट बट ग्रेजुअली इट बिकेम डार्क चोरी होबा समय रे लाइट थिला आलोक थिला किंतु धीरे धीरे अंधार हो गला बुझीला तो इट वाज द मीटिंग टाइम ऑफ डे एंड नाइट तो ये दिन और रातिर मिलन स्थल थिला ना ठीक अच्छे हो पार किसी असुविधा नहीं बर्तमान क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा इज इट पॉसिबल दैट द नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट इन द कोर्ट वाज बोथ 5 and 25 हाउ तो एक संभव कि जे कोर्टे उपस्थित थिबा लोक मानकर संख्या उभय 5 जन और 25 जन हो पार केमिति यस इट इज पॉसिबल दैट द नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट इन द कोर्ट वाज बोथ 5 and 25 बिकॉज एट फर्स्ट देयर वेयर ओनली 5 पीपल बट स्लोली नंबर इनक्रीज टू 25 तो हाँ एक संभव जे कोर्टे उपस्थित थिबा लोक संख्या उभय 5 and 25 हो पार केमिति ना प्रथमे प्रथमे तो 5 जन लोक रहिबे किंतु धीरे धीरे ग्राजुअली से ही संख्या बढ़ी कि 25 पहुँची जीवो हो पार एमती क्वेश्चन नंबर 5 रो समाधान हो जाइछि वर्तमान देखियो क्वेश्चन नंबर 6 रो प्रश्न अछि व्हाट डिड ओली डू व्हेन द जज आस्क्ड अबाउट द कलर ऑफ द पर्स तो जेतेबेले विचारपति बा जज पर्स रो कलर विषय रे पचारिले ओली कोन कला ओली कोनोसी उत्तर दे नथिला से गोटे पर्स खोलिक देखे दीला जार रंग भितर पटु धला रंगर था बाहर पटु कला रंगर था ओली शोड ए पर्स टू द जज ह्विच वाज ह्वैट इनसाइड एंड ब्लाक आउटसाइड टू कन्भेन्स द जज दैट द सेम पर्स कुड बी टू डिस्टिंक्ट कलर्स बर्तमान क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा वाज द जज सैटिस्फाइड हाउ डू यू नो जज बा विचारपति सैटिस्फाई थिले कि केमिति तुम्हें जानुच येस द जज वाज सैटिस्फाइड विथ ओली सेन्सर्स ओली उत्तर रे विचारपति सैटिस्फाई हो जाइले हि स्माइल्ड इन ए भेरी अनयूजुआल वे एंड नोडेड हिज हेड इन फुल एग्रीमेंट तो पूर्ण सम्मति जनईकि विचारपति जनक मुंड हल्ले आम जानूचु जे ओली उत्तर रे से सैटिस्फाई हो जाइले गोटे असामान्य हस हसी आपर मुंड भी सी पूर्ण सहमति सहित हल्ले तो एम जानूचु जे ओली उत्तर रे विचारपति जनक सैटिस्फाई हो जाइले चलो बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा वाज ओली क्लेवर एनफ टू सेव द केस ओली केस को बचाइवाप जथेष्ट चालाक थिला कि येस ओली वाज क्लेवर एनफ टू सेव द केस यूजिंग हिज क्लेवर प्रेजेन्स ऑफ माइंड ही कंसिलिएटेड द कंट्राडिक्टोरी स्टेटमेंट्स गिवेन बाय द टू विटनेसेस पूर्वर दुई जन साक्षी मान द्वारा दि जाइया कंट्राडिक्टोरी स्टेटमेंट्स बा परस्पर विरोधी मंतव्य को से समझौता करदे कंसिलिएटेड माने समझौता करिबा संधि करिबा बुझेला विचारपति से बुझे देइथिला जे एमानंकर जो स्टेटमेंट थिला कंट्राडिक्टोरी स्टेटमेंट तहार प्रकृत अर्थ कौन बुझेला चलो ठीक अच्छे वर्तमान आम क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा डिड ओली मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल ओली कौन असंभव को संभव कर देखेला कि येस ओली मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल यूजिंग हिज प्रेजेन्स ऑफ माइंड हाँ ओली असंभव को संभव कर पार्ला तार प्रेजेन्स ऑफ माइंड को व्यवहार करी तार कॉमन सेंस को व्यवहार करी बुझेला वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 10 इज ओली इंटेलिजेंट ओली चालाक थिला कि हाँ निश्चित भाव चालाक थिला येस ओली इज भेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी डू यू लाइक ओली व्हाई तुम्हें ओली को पसंद करुछ कि काहेकि येस आई लाइक ओली बिकज ही वाज भेरी इंटेलिजेंट एंड ही वाज भेरी लॉयल टू हिज बॉस दैट इज द लॉयर तो मुली को यहीपाई पसंद करुच्ची कहीं से बहुत चालाक थिला बहुत इंटेलिजेंट थिला बहुत बुद्धिमान थिला आउ से तार बॉस बा मालिक प्रति बहुत विश्वस्त थिला लॉयल माने विश्वस्त तार मालिक किए थिले द लॉयर माने वकील ही सेव्ड द लॉयर फ्रॉम ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस तो गोटे बहुत जटिल केस रु से तार मालिक को रक्षा करथिला लॉयर को रक्षा करथिला बुझियाला क्वेश्चन नंबर 11 नो समाधान सरी जाइछि एवं ओली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल अध्यायटी समाप्त हो जाइछि आजिरो क्लास को आम 8 रखिबा धन्यवाद।